टेल मी वन थिंग वट यू ऑब्जर्व इन द स्काई इन डे टाइम जब आप डे टाइम में स्काई को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं वहाँ पर क्या होता है क्या अपियर होता है आपको ऑनली सन ओके वट यू सी ड्यूरिंग नाइट इन द स्काई जब आप नाइट टाइम में स्काई में देखते हैं तो क्या दिखता है आपको मून स्टार्स ओके देन हैव यू लिसन द नेम सोलर सिस्टम हैव यू लिसन द नेम प्लानिट्स सो मे कंचन यू आर वॉचिंग कंचन क्लासेज सो लेट्स क्विकली मूव टू द टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर सोलर सिस्टम वाट इज सोलर सिस्टम इन इजी वर्ड्स वी कैन सेट द सन एंड इट्स फैमिली इज नाउन एज सोलर सिस्टम सन और सन की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उस फैमिली मेम्बर्स में क्या आएंगे हमारे प्लानिट्स न्यूटोरॉइड्स डॉफ प्लान सेटेलाइट्स these all are its family members so today we will discuss about its planets there are eight planets in the solar system these eight planets are mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune these all are eight planets in the solar system okay then the first four are called inner planets and last four are called outer planets okay so now briefly we will uh, discuss about these

ठंडा प्लानट है सो मरकरी हैज़ नो मून ऑफ इट्स ऑन और इसके अपने कोई मून भी नहीं है सेकेंड वन इज वीनस वीनस इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ वीनस जो है वो बिल्कुल अर्थ के पास है एंड इट्स साइज इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द अर्थ और इसका साइज़ भी उतना ही है जितना साइज हमारी अर्थ का है एंड इट इज़ द सेकेंड प्लानिट फ्रॉम द सन और ये सन से सेकेंड नंबर पर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बिकॉज सम टाइम्स इट अपियर्स इन द स्काई ड्यूरिंग डे ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग हम इसे मॉर्निंग स्टार भी कह मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते, कहते हैं बिकॉज कई बार हमें ये डे मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम uh, हमें दिखाई देता है नाउ नेक्स्ट इज थर्ड थर्ड इज अर्थ अर्थ सो यू नो वेरी वेल बिकॉज इट इज़ वेरी यूनिक प्लानट एंड वाई इट इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज हमारे पूरे सोलर सिस्टम एक अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है एंड वाई हेयर इज वाई लाइफ इज पॉसिबल हेयर बिकॉज इट हैज़ एयर एंड इट्स ऑन एटमोसफियर यहाँ पर एयर है एटमोसफियर है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है and the earth has its own moon that is moon which we can see in the night time in the sky earth ka apna ek moon hai jise hum night time mein, uh, sky mein dekh sakte hai so fourth one is mars mars is the fourth planet from the sun mars to hai sun se fourth number par hai. and often it is visible as in a red color in the sky because it has red soil and rocks सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रेड प्लानट हम इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इस प्लानट पर बहुत ज़्यादा रेड सॉयल और रेड कलर की रॉक्स हैं और हमें ये स्काई में भी रेड कलर का ही दिखाई देता है मार्स हैज टू मून्स और मार्स के टू मून्स हैं नेक्स्ट वन इज जुपिटर प्लानेट जुपिटर प्लानट इट इज़ द फिफ्थ प्लानट फ्रॉम द सन एंड इट इज द बिग्गेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम ये सन से फिफ्थ नंबर पर है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लानट है इट इज सो लार्ज दैट थर्टीन हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अर्थ्स कैन प्लेस इन इट ये इतना बड़ा है साइज में कि हमारी अर्थ जैसी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड अर्थ्स भी इसके अंदर आ सकती है एंड इट हैज सेवेंटी नाइन मूल्स और इसके अपने सेवनटी नाइन मूल्स हैं देन नेक्स्ट वन इज सेच इट इज़ अ सिक्स प्लानट इन द सोलर सिस्टम and it is a very beautiful planet because it has a ring uh, around it is a it has a beautiful ring around it it is also so large in size it is a made of ice with a terrace of rocky materials its temperature is too low क्योंकि इसका temperature बहुत कम है इसलिए क्योंकि ये sun से बहुत ज़्यादा दूर है इसका और sun का जो distance है वो बहुत ज़्यादा That's why it has very low temperature. Next one is Uranus. Uranus is the seventh planet from the sun. It is yes, just sun's se seventh number per. And it is also large planet, but its temperature is too low. That's why it's it can't sustain life. Here. ये सन से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा कम है इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है एंड जब हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसका जो कलर है वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है एंड इट हैज ट्वेंटी सेवन मून्स और इसके जो अपने मून्स हैं वो है ट्वेंटी सेवन एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून नेपच्यून इट इज द एर्थ प्लान इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो वेरी कोल्ड लाइक यूरेनस प्लान एंड इट हैज थर्टीन मून्स इसका भी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम है यूरेनस की तरह इसलिए ये ठंडा प्लानट है और इसके अपने थर्टीन मूनस हैं टुडे वी डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स। सो विच वर प्लैनेट्स फर्स्ट वन इज मरकरी सेकेंड वन इज वीनस थर्ड इज अर्थ फोर इज मार्स फिफ्थ इज जुपिटर सिक्स इज सेचुरन सेवेंथ इज यूरेनस एंड एट्थ इज नेपच्यून दीज ऑल आर एट प्लानट्स इन द सोलर सिस्टम So in next video we will discuss about the movements of the earth so keep watching keep listening kanchan classes thank you